अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कह दिया है कि अफगानिस्तान से निकलने के लिए तय की गई 31 अगस्त की तारीख में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ है कि अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिका के करीब 6,000 सैनिकों को उससे पहले देश छोड़ देना होगा। जो बाइडेन ने यह तारीख घोषित की थी तब वहां करीब 2500 अमेरिकी सैनिक थे, लेकिन तालिबान के काबुल पर कब्जा कर लेने के बाद और सैनिक भेजने पड़े थे ताकि वहां मौजूद नागरिकों को निकाला जा सके। शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संस्था का अनुमान है कि 2.5 लाख ऐसे लोग हैं जिन्हें अफगानिस्तान से निकाले जाने की ज़रूरत है। इनमें अनुवादक, ड्राइवर और अन्य ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने नाटो सेनाओं के साथ काम किया था, लेकिन जुलाई में अब तक सिर्फ 62,000 लोगों को निकाला जा चुका है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक जो 31 अगस्त के बाद भी अफगानिस्तान में रह जाएंगे उनकी मदद की जाएगी और तालिबान पर दबाव बनाया जाएगा कि वे सुरक्षित अफगानिस्तान छोड़ सके। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने सोमवार को ये भी कहा है कि सैन्य अभियान के ख़त्म होने के साथ हमारी उन अफगान लोगों के साथ प्रतिबद्धता खत्म नहीं होगी जो खतरे में है। हम और पूरी दुनिया तालिबान से ये सुनिश्चित करवाएगी कि जो लोग अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं उन्हें ऐसा करने का मौका मिले। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना